हरे कृष्णा। टॉपिक है रीयूनियन के चांसेस, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट रीयूनियन, तो जिसको भी जानना है ये वीडियो उनके लिए हो सकती है, ठीक है। ये एक पिक कार्ड रीडिंग होने वाली है। मेरी कैट आ गई यहाँ पे इसे खेलने के लिए। okay. yeah. ठीक है, तो वी हैव टेकन हेल्प फ्रॉम आर्चेंजल गैब्रियल, ठीक है। ओके, और तीन एक्चुअली मैं कुछ और लेने वाला था, लेकिन गैब्रियल के हिसाब से वी शुड टेक द टैरो डेक फॉर दिस, सो वी हैव टेकन इट। द फर्स्ट इज नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। सेकंड इज क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके। एंड थर्ड इज टेन ऑफ कप्स। जिसको भी चुनना है वो कार्ड चुन सकते हैं। सबसे पहले मैं कार्ड ले लेता हूँ, पाँच पाँच पाँच, ठीक है। तो कार्ड चुन लेते हैं पहले, मैं टाइम स्टैम्प पे डाल दूंगा, गर्मी बहुत है। सबसे पहले चुनते हैं नाइट ऑफ कप्स के लिए पांच कार्ड्स, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स के लिए पांच कार्ड, गैब्रियल। दो कार्ड आ गए, तीसरा कार्ड आ गया, ठीक है। चौथा कार्ड भी आ गया, पांचवा कार्ड आ गया। नाइट ऑफ कप्स के लिए दो पांच कार्ड आ गए। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, दो कार्ड, ठीक है। तीसरा चौथा कार्ड, ठीक है। और एक पाँचवा कार्ड चाहिए, वो ले लिया। और टेन ऑफ कप्स के लिए पांच कार्ड चाहिए, ठीक है। कितने कार्ड, दो कार्ड आ गए, ठीक है। टेन ऑफ कप्स के लिए, ओके, ये अंदर चला गया कार्ड, ठीक है। तीन कार्ड आ गए, ठीक है। ये चौथा और ये पांचवा कार्ड आ गए। इसे रखता हूँ साइड में। अब देखते हैं ये डेक, ठीक है। येलो नाइट ऑफ कप्स, पांच कार्ड, ठीक है। गैब्रियल, 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 गैब्रियल। क्वीन ऑफ सोर्स, पांच कार्ड, चार कार्ड आ गए, ठीक है। एक और कार्ड निकालना है, पांच कार्ड। टेन ऑफ कप्स, पांच कार्ड आ गए, पांच कार्ड। और अब टैरो, कितना टाइम हो गया, दो मिनट हो गए, ठीक है। ओके, नाइट ऑफ कप्स के लिए पांच कार्ड चुनते हैं, गैब्रियल। बस क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पांच कार्ड, दो कार्ड तो आ गए, तीन कार्ड हो गए, चौथा कार्ड, पांचवा कार्ड, ठीक है। और ना, और टेन कप्स के लिए पांच कार्ड चुनना है, ठीक है। चुन लेते हैं जितने भी कार्ड्स आ रहे हैं। आर्चेंजल गैब्रियल, यस, मिल गए कार्ड्स, ठीक है। जो आ रहे हैं वैसे हम ले रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट, स्ट्रेट टू स्ट्रेट, रिवर्स टू रिवर्स, ओके। सो ठीक है, तो फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फोर किसके लिए, नाइट ऑफ कप्स। मोस्टली मैं ही करूंगा, मैं डिपेंडिंग क्या होता है, ठीक है। गाना का वो ऐसा लग रहा है, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स, देखते हैं क्या कार्ड्स होते हैं। ओके, तो कौन सा गाना गाऊं मैं अपने गाने खुद बनाता हूँ। Baby, I need you. Baby, I miss you. Baby, I want to connect you. I just wanna see you. I just wanna feel you. I just wanna feel you from my heart. I want you back in my life. I want you back in my life. Baby, I want you back in my life. I miss you, baby. When you will be back in my life, when you will be back in my life, when you will be back. Okay, ठीक है, तो कार्ड्स आ गए हमारे यहाँ पे, उनको दिख रहे हैं शायद से, ठीक है। पांच कार्ड दिख रहे हैं टोटल। तो क्या है रिलेशनशिप के रिकंसिलेशन चार्जेस या रियूनियन के चार्जेस,
ठीक है, जो भी है देखते हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट. सोर्स वॉन्स कप्स, सोर्स कप्स, पेंटाकस नहीं है. सहायता उदासी नई शुरुआत गैर मामूली पीछे माता पिता पहुंचना ऊपर वाला नखरे कठिनाई. ठीक है, देखते हैं क्या रीडिंग आती है. नाइट ऑफ कप्स, ठीक है, नाइट ऑफ कप्स का मतलब है कि मे बी यू आर डिपेंडिंग ऑन योर लवर मोस्टली. आप शायद चाह रहे हो कि उन्होंने ही आगे बढ़ना चाहिए, उन्होंने आपको प्रपोज करना चाहिए, उन्होंने ही लीड लेनी चाहिए. ठीक है, एंड उन्होंने बहुत जल्द डिसीजन लेना चाहिए, बहुत ही जल्द, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम और डिले. ये शायद आपकी पॉसिबल थिंकिंग हो सकती है डिपेंडिंग ऑन दैट. ठीक है, तो देखते हैं क्या कार्ड्स नजर आ रहे हैं. ओके, ठीक है, सबसे पहले तो जो बात दिख रही है यहाँ पे वो है नखरे. ठीक है, इस व्यक्ति के काफ़ी नखरे हैं इस रिलेशनशिप में. ओके, मे बी ये जानबूझ के कर रहा है, मे बी यू नो शो ऑफ कर रहा है, उनको अच्छा लगता है दिखावा करना कि यू नो सब सब कुछ मेरे कंट्रोल में. यू नो कई बार ऐसा अच्छा लगता है. आई थिंक श्री श्री रविशंकर जी का मैंने एक वीडियो देखा था, तो उन्होंने कहा था कि यू नो मेल पर्सन का जो ईगो है वो कभी मत दुखाना. ठीक है, अगर तुम्हें पता है वो बुद्धू है तो ही मत कहो कि बुद्धू हो, कहो कि तुम बहुत ही इंटेलिजेंट हो. ओके, तो ऐसे ही जो इंसान है वो चाह रहा है कि ये यू नो अपने तरफ से सब बातें कर ले. ठीक है, चाह भी रहा होगा आपके साथ रियूनियन करना, ठीक है, आपके साथ कनेक्ट करना, लेकिन वो चाह रहा है कि मेरे हिसाब से हो, जब मैं चाहूँगा तब होगा. ठीक है, जैसे मैं चाहूँगा वैसे होगा. सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन हिम, जैसा वो चाहेगा वैसे होगा. नखरे यहाँ पे, इट कुड बी अ गर्ल, ठीक है, नखरे आ गए हैं. ठीक है, सो ऑल अबाउट दैट, डिपेंड ऑन इट. ओके, नखरे है तो ठीक है, पॉसिबिलिटी है समबडी एल्स कुड बी देयर डिपेंडिंग, लेकिन देखते हैं. देखो यहाँ पे आगे बढ़ना तो कठिनाई से भरा हुआ रास्ता है. ठीक है, इतना ईजी नहीं है. ठीक, कठिनाई पहला ही कार्ड आ गया, इसका मतलब है कि आप चाह भी रहे हो कि आपको जल्दी जल्दी रिकन्सिलेशन करना है, रीयूनियन चाहिए आपको, बहुत जल्द कनेक्ट होना है, तो कठिनाई भरा रास्ता है ये. सो ये अपने दिल में समझ लीजिए, समथिंग इज़ लाइक दैट. ठीक है, तो इतना भी आसान नहीं है कि जैसा आपने कहा उन्होंने हाँ कर लिया, एंगेजमेंट हो गई, नेक्स्ट मंथ शादी. You know, likewise. So this is the thing. And if you are separated even after marriage, so the person is showing you the kind of thing, you know, nakhre dikha rahe hain. Depending nakhron ka matlab aap kya lete ho. You know, kisi ke hisab se nakhron ka matlab ye ho sakta hai ki the person is showing attitude. Aur shayad koi keh raha hai ki nahi karo, kya kar loge. You know, likewise. The best thing for you is upar wala. Believe on that. Theek hai? Believe on the divine. Believe on his or her wisdom. ठीक है, गॉड गॉडेस जिसको भी आप मानते हो उसके ऊपर बिलीफ रखें, वो आपको बता देंगे क्या करना है. ठीक है, अब यहाँ पे दो कार्ड्स आ रहे हैं, पहुँचना और माता पिता, इसका क्या मतलब है. ठीक है, इसका मतलब ये आ रहा है कि यू नो आपको वहाँ तक पहुँचना तो है. यू वॉन्ट टू रीच आउट टू दैट पर्सन, आपको उस व्यक्ति तक पहुँचना है, यू वॉन्ट टू कनेक्ट टू दिस पर्सन, लेकिन यहाँ पर ये बात आ रही है माता पिता. ठीक है, इसका मतलब है के इसका एक्चुअली डिवाइन मतलब भी निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक कार्ड आ गया है ऊपर वाला. ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइन मतलब भी आ रहा है, और ये मतलब इस प्रकार से आ रहा है कि या तो इस व्यक्ति के पेरेंट्स या आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, उनकी ख्वाहिश कुछ अलग है. ठीक है, वो नहीं चाहते कि आप इस व्यक्ति से मिले या आगे बढ़े. ठीक है, या तो इस व्यक्ति ने आपका काफ़ी दिल दुखाया होगा. ठीक है, या फिर इस व्यक्ति के साथ आपका कोई फ्यूचर उनको नज़र नहीं आ रहा है. ठीक है, तो इसीलिए सबसे ज़रूरी बात होगी कि अगर आपको पता है कि आपके पेरेंट्स के दिल में क्या चल रहा है, पहले उनसे बात कीजिए. ठीक है, उनसे कहिए, उनको अगर आप साफ साफ कहेंगे तो दे कुड बी हेल्पफुल. ठीक है, और अगर उनका आशीर्वाद मिल गया तो डेफिनेटली ऊपर वाला को भी आशीर्वाद आपको मिल सकता है, एंड आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं. ठीक है, हालाँकि यहाँ पर नखरे आ रहे हैं, दैट मीन्स ये व्यक्ति थोड़ी सी एटीट्यूड वाली है. ठीक है, दिख रहा है एटीट्यूड वाली व्यक्ति है ये, तो यू शुड बी वेरी केयरफुल डीलिंग विद दिस काइंड ऑफ पर्सन, क्योंकि कठिनाई भरा रास्ता है ये. ठीक है, अब यहाँ पे इतना ही नज़र आ रहा है, नेक्स्ट पाइल में देखते हैं हम क्या नज़र आ रहा है. ठीक है, ओके,
देखो बेसिकली आपको अभी सहायता की ज़रूरत है बैंकिंग, ठीक है, आपको अभी सहायता की ज़रूरत है, यू नीड अ काइंड ऑफ सपोर्ट, जो आपको शायद मिल रही है, नहीं मिल रही है ना, आपके फ्रेंड्स आपको हेल्प कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दैट। और कई बार क्या होता है ना, जैसे कि मान लीजिए ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं, आपने सुने होंगे कि यू नो लव मैरिज कर ली, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, कई बार शादी टूट जाती है, ठीक है, और लड़की जो होती है वो अकेली पड़ जाती है, ना तो उसके पेरेंट्स हेल्प करते हैं, ना ससुराल वाले हेल्प करते हैं, और उसका कोई बेटा या बेटी है तो उसको ही सपोर्ट करना पड़ता है। आई थिंक मैंने कहीं पे पढ़ा था एक कंटेंट, द वुमन वॉज आई थिंक काफ़ी टॉप पे पोजिशन पे थी, ठीक है, एंड आई थिंक काफ़ी अर्ली एज में उसकी मैरिज हो गई, इवन शी हैज़ अ चाइल्ड, एंड आई थिंक वो लव मैरिज थी, लेकिन ब्रोक, मैरिज वॉज ब्रोकन, फिर वो अकेली उस लड़की को संभाल रही है, लॉट्स ऑफ टेंशन है उसके लाइफ में, तो समझ लीजिए, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आप उस व्यक्ति के पीछे पड़े हो, ठीक है, इट्स लाइक यू वांट टू नो व्हाट इज़ हैपनिंग इन हिज लाइफ, आपको पूरा डिटेल चाहिए, क्या कर रहा है वो, क्या नहीं कर रहा है वो, क्या उस व्यक्ति के लाइफ में क्या चल रही है, ठीक है, डिप्रेशन या तो आपको आ गया है या तो उनको आ रहा है, ठीक है, डिप्रेशन कार्ड है यहाँ पे, सो पॉसिबिलिटी ऑफ डिप्रेशन है यहाँ पे, या तो आप उदासी हैं या वो व्यक्ति उदास है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दैट, काफ़ी सारे इसके लिए रीजंस हो सकते हैं, ठीक है, डिप्रेशन के, तो आई थिंक डिप्रेशन है इसके लिए, आई थिंक आप ज़माने के पीछे चल रहे हो, पहली बात तो शायद उसको लग सकता है कि वो आप यू नो आप उनके पीछे पड़े हो, एंड इसका भी मतलब हो सकता है कि वो किसी के पीछे हैं, ठीक है, अब क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पे वे आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग आ रही है, वे आउट गैर मामूली, ठीक है, वो आपको आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है, द पर्सन इज नॉट अटेंडिंग यू, आपको अटेंशन ही नहीं दे रहे हैं, एंड आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली है, नई शुरुआत, तो या तो वापस से आके आपके लाइफ में नई शुरुआत करेंगे, या तो आप किसी और से मिलेंगे, ठीक है, या तो व्यक्ति किसी और के साथ एक्चुअली घुल मिल गया है, एंड यू आर स्टिल वेटिंग, है ना, जैसे कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, आप एक छोटे बच्चे हो, ठीक है, और आपने देखा है कि फुगा वाला है वहाँ पे, ठीक है, बलून वाला, वो बलून बेच रहा है, ठीक है, और आप वेट कर रहे हो, एंड मे बी आप कह रहे हो आपके रिलेटिव्स को कि मुझे फुगा चाहिए, बलून चाहिए, लेकिन वो आपकी बात नहीं मान रहे, फिर जब आते हैं तब तक तो वो दूर जाता है, फिर आप वापस से वेट करो तो वो आएगा, यू नो मान लीजिए आप आधे घंटे हो वहाँ पे, और आप देख रहे हो हर किसी को फुगा बांट रहा है, बलून बांट रहा है, लेकिन आपके पास नहीं आ रहा है, तो आप बस वेट करते रहेंगे, तो ये होता है, ठीक है, और देखते हैं थर्ड फाइल में क्या आ रहा है, सिचुएशन क्या है यहाँ पे, पहला ही है, देखिए एस ऑफ सॉर्ट्स, कंस्ट्रेंट, देखिए यहाँ पे कंस्ट्रेंटेशन है, आप चाह रहे हो उनसे मिलना, लेकिन वो आपसे मतलब यहाँ पे ट्विस्ट है, एस ऑफ सॉर्ट्स है, यहाँ पे एटलीस्ट मुझे क्लैशेस दिख रहे हैं, यू नो द पर्सन इज नॉट रेडी येट टू मूव ऑन विथ यू, आपके साथ आगे बढ़ने के लिए अभी तो रेडी नहीं है, एंड अगर आपके कोई प्लान्स थे या प्लान्स हैं यू नो यूनियन के, तो लुक एट दैट, इट इज़ रिवर्स, दो प्लान्स तो आई थिंक वो या तो तबाह हो गए हैं, या तो डिले हो गए हैं, या नेस्तनाबूत हो गए हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दैट, अब देख क्यों हो गए हैं वो देखते हैं हम, ओके, तीन कार्ड्स हैं, गैब्रियल, देखो ये फोर ऑफ कप्स है, ये व्यक्ति आपके चाहने पर भी आपको चुन नहीं रहा है, ठीक है, आपने सारे ऑप्शंस दिए हैं शायद इसको, वेट करते हैं, ठीक है, डिले करते हैं मैरिज में, एटलीस्ट एंगेजमेंट करते हैं, ठीक है, कहीं पे घूमने जाते हैं, ठीक है, एटलीस्ट कन्फेस करते हैं प्यार को, तरह तरह के ऑप्शन दिए, वो आपका कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट कार्ड है वो है सेवन ऑफ सोर्स, जो कि है रिवर्स्ड, सेवन फाइव सोर्स, ठीक है, ये है रिवर्स्ड, ये व्यक्ति एक्चुअली लाइफ में मूव ऑन हो चुका है, ठीक है, आप शायद सोच रहे हो कि ऐसा नहीं करेगा, ये कैसा कर सकता है, लेकिन उसने ऑलरेडी डिसीजन ले लिया है, द पर्सन हैज ऑलरेडी टेकन डिसीजन, एंड ये व्यक्ति ऑलरेडी लाइफ में मूव ऑन हो चुका है, अब इसके अलग अलग मतलब है, आई थिंक ये व्यक्ति अपने स्पिरिचुअल जर्नी पे है या फिलोसॉफिकल जर्नी पे है, ठीक है, अब ये कार्ड क्या बताता है, थ्री ऑफ कप्स रिवर्स्ड है, ठीक है, ये आप लोग सब एफर्ट्स कर रहे हो, आपके फ्रेंड्स भी आपको हेल्प कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति मान नहीं रहा है, नथिंग, व्यक्ति आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, इस व्यक्ति को आपको अंडरस्टैंड नहीं करना है, टैरो ही निकालते हैं गैब्रियल, एटलीस्ट अ फ्यू कार्ड्स फॉर दिस पाइल, ठीक है, अबाउट दिस पर्सन, ठीक है, तीन कार्ड्स वो आ गए, देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं वो,
किंग ऑफ वॉन्ड्स, तीनों रिवर्स्ड है, क्वीन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये अभी पैशनेट नहीं है, बिल्कुल पैशनेट नहीं है, ठीक है, दिस कुड कनेक्ट टू पैशन, ये अभी बिल्कुल भी पैशनेट नहीं है, अगर आपको लग भी रहा है तो भी ये पैशन में नहीं है बिल्कुल भी। एंड क्वीन ऑफ कप्स, उसे लग रहा है कि उसे सपनों की रानी अभी तक मिली नहीं है, ठीक है, इफ इट्स अबाउट अ गाय, सपनों की रानी, इफ इट्स अबाउट अ गर्ल, राजकुमार, नहीं मिला है, वो आप में वो नहीं ढूंढ रही है, फिर उनको नहीं लग रहा कि आप वो हो, उनको आप में वो पैशन नहीं दिख रहा है। एंड चॉइसेस, तो ये व्यक्ति अभी कुछ डिसीजन लेने के मूड में नहीं है, ठीक है, फाइनल कार्ड चुनते हैं क्या हो सकता है, एट ऑफ कप्स, टोटल रिवर्स आ गए कार्ड्स, इसका मतलब है कि ये व्यक्ति बस लाइफ में हैप्पी होना चाहता है, यू नो, कुछ लोगों को डर लगता है रिलेशनशिप में पड़ने से या फिर कमिटमेंट देने से, मेरी आज़ादी छीन जाएगी, लाइक वाइज, तो ये जो व्यक्ति है ये भी कमिटमेंट देने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है, ये एक्चुअली मूव ऑन हो चुका है, ठीक है। एंड लास्ट कार्ड देखते हैं कि अगर उससे कुछ क्लैरिटी मिली तो, टेन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स्ड, मे बी ये व्यक्ति लाइफ को और इन्जॉय करना चाहता है, एंड बिलीव इट और नॉट, लेकिन ये व्यक्ति रिलेशनशिप में और पढ़ना चाहता है, सो इवन दो ही नोज यू एंड यू नो दिस पर्सन, लेकिन वो व्यक्ति रिलेशनशिप में और अंडरस्टैंडिंग चाहता है, मे बी ही विल हैव वन और मोर रिलेशनशिप्स इन हिज लाइफ, ठीक है, जैसा दिख रहा है वैसा मैं रीडिंग आपको बता रहा हूँ, बेहतर रीडिंग आपके लिए। अब देखते हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जिन्होंने अभी क्वीन ऑफ सोर्ड्स को चुना है, देखते हैं उनके लिए रीडिंग क्या आती है, चांसेस ऑफ रीयूनियन, ओके, जैसे कार्ड आएंगे वैसे मैं प्रस्तुत करता हूँ, ठीक है, कौन सा गाना का, अगर गाना गाना है तो डिपेंडिंग ऑन दैट, आई एम वेटिंग फॉर यू टू कम बैक इन माय लाइफ, आई एम वेटिंग फॉर यू, वो वो ये, आई एम वेटिंग फॉर यू टू कम बैक इन माय लाइफ, आई एम वेटिंग फॉर यू, कम बैक फॉर जस्ट वंस, लेट मी नो समथिंग अबाउट यू, कम बैक जस्ट फॉर वंस, लेट मी सी यू in my life, come back baby, whoa, come back baby, ठीक है, तो यहाँ पे पाँच 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 पंद्रह कार्ड्स आ गए, देखते रीडिंग क्या आती है, परीक्षा आसान, अगस्त, चाह तकरार, ठीक है, दोहराए जाने वाले विचार, स्वास्थ्य लाभ, कुशल व्यक्ति, योजना काम, ठीक है, द मैजिशियन रिवर्स्ड, थ्री ऑफ पेंटेकल स्ट्रेट, किंग ऑफ पेंटेकल स्ट्रेट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड, ठीक है, ये जो व्यक्ति है ये एक्चुअली आपको टेस्ट कर रहा है, ठीक है, एंड दिस पर्सन इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि अगर ऐसा हो, अगर वैसा हो तो आप क्या कर सकते हो, यू नो, ये व्यक्ति आपकी लॉयल्टी टेस्ट कर सकता है, ठीक है, आपका पैशन टेस्ट कर सकता है, ओके, आपको रोमांस टेस्ट कर सकता है, यू नो, ये व्यक्ति चाह रहा है कि वो आपको हर तरीके से टेस्ट करे, ठीक है, ताकि उसे आगे जाके कोई कमी ना हो, ठीक है, कुछ लोग होते हैं, यू नो, वो कहते हैं कि काश शादी के पहले मुझे मालूम होता तो मैं शादी नहीं करता, यू नो, लाइक वाइज, जब शादी के बाद किसी को पता लगता है किसी का अफेयर था तो वो कम्प्लीटली ब्रोक हो जाता है, यू नो, लाइक वाइज, या फिर शादी के बाद किसी को पता लगता है कि हस्बैंड है वो स्मोक करता है, ड्रिंक करता है, ठीक है, लेकिन अगर वही पता चले वाइफ ड्रिंक कर दे तो नहीं चलेगा, फिर डिवोर्स, ओके, तो ये जो व्यक्ति ये आपकी टेस्ट लेना चाह रहा है एक्चुअली, यू नो, डिपेंड करता है कैसे टेस्ट ले रहा है, ठीक है, या तो बात को टाल सकता है, ठीक है, बस आपके साथ कहीं पर चल सकता है, टहल सकता है, डिपेंडिंग ऑन दैट, जस्ट लाइक यू नो, गार्डन में आप कहीं पर टहल रहे हो, रास्ते पर टहल रहे हो, तो यू नो, वो आप जा रहे हो कि आप बोले उसको कि यू नो, कब कब करोगे, एंड वो बस टाल रहा है बात को, हाँ मेरा चल रहा है, जॉब है, वो है, वो है, यू नो, समथिंग लाइक दैट, एक्चुअली यहाँ पे सब कुछ आसान है, ठीक है, उसके लिए आगे बढ़ना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है ये बात, वो जब चाहे आपके साथ आगे बढ़ सकता है, रिश्ते में कमिटमेंट दे सकता है, एंड उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको लग रहा है कि यू आर द प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है, या फिर सिचुएशन प्रॉब्लम है तो वैसा भी नहीं है, ठीक है, तो ये एक बात है, तो इसके लिए आपको खुश होना चाहिए, समवेयर यू कैन बी रिलैक्स्ड, ओके, ये आ गया है आपके लिए अगस्त, ओके, आई थिंक अगस्त में आपका रीयूनियन हो सकता है, लेकिन इस कार्ड का एक और भी मतलब निकलता है, अगस्त, यू नो, ये एक मतलब ऐसा निकलता है कि यू नो, कहीं पे जो चांसेस हैं आगे बढ़ने के वो थोड़े से कम हो सकते हैं, ठीक है,
क्योंकि ये व्यक्ति कुछ चाह रहा है, ठीक है, तो क्या इसकी चाह हो सकती है? तो एक्चुअली ये व्यक्ति शायद अपने जॉब पे प्रति पैशनेट हो, ठीक है, एंड मे बी यू जस्ट वॉन्ट टू टेस्ट एवरीवन, ठीक है, एंड यहाँ पे आ सकती है तकरार। तो शायद आप दोनों में थोड़ी सी बहसबाजी होती हो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप उसे बहुत ही पैशनेटली प्यार करते हो या लाइक, लेकिन हाँ डेफिनेटली आप इससे कनेक्टेड तो हो, एंड अगर कनेक्टेड हो तो आपको लगता है कि यू नो आप दोनों का साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप दोनों ने साथ आना चाहिए। कहीं ना कहीं एक्चुअली चाह रहा है मे बी ही कुड वॉन्ट टू फ्लर्ट विद समबडी, ओके, फ्लर्ट ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, छोटा सा फ्लर्ट, क्योंकि इस व्यक्ति को परेशान रहना बहुत अच्छा लगता है, यू नो ही लाइक्स टू यू नो एग्जामिन पीपल, ऑब्जर्व पीपल, ठीक है, या उसके दोस्त भी इसे कहते होंगे कि डू द लॉयल्टी टेस्ट ऑफ दिस पर्सन दैट पर्सन, ठीक है, तो उसके लिहाज से तकरार हो सकती है। तो मैं कहूँगा ये व्यक्ति काफ़ी एग्जामिनेशन करने वाला है, सो बी प्रिपेयर्ड, ओके, गलत आंसर दे दिया तो नुकसान आपका हो सकता है, ठीक है। नाउ ये आगे रीडिंग आपके लिए, ठीक है, यहाँ पे हैं 5 कार्ड्स, काम, योजना, कुशल व्यक्ति, स्वास्थ्य लाभ एंड दोहराए जाने वाले विचार, ठीक है। आई थिंक बार बार आपके रिलेशनशिप में वही बातें आ रही हैं, यू नो आई थिंक आप दोनों एक दूसरे को रेजोनेट करते हो, ठीक है, आप जैसे चाह रहे हो वैसे ही व्यक्ति यू नो बिहेव कर रहा है, एंड आपको जो क्वालिटीज चाहिए थी वो सभी क्वालिटीज इस व्यक्ति में हैं। तो कौन नहीं चाहेगा अपना लाइफ पार्टनर ऐसा पाना जो आपको सेम टू सेम रिफ्लेक्ट करो, ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं आई थिंक सो इसके पीछे तगादा लग चुका है कि यू नो शादी शादी शादी, एंगेजमेंट एंगेजमेंट एंगेजमेंट, रिलेशनशिप रिलेशनशिप रिलेशनशिप, यू नो लाइक वाइज, तो ये शायद उसको थोड़ी सी तकलीफ दे सकती है, ओके, हालांकि यहाँ पे स्वास्थ्य लाभ आ चुका है, तो आई थिंक शायद उसकी कोई यू नो मेडिकल सिचुएशन हो सकती है जिससे वो जूझ रहा है, ओके, या फिर उसके फैमिली की कोई सिचुएशन हो सकती है, यू नो उनके माँ का कोई इलाज चल रहा होगा या फिर ड्यूरिंग द एपिडेमिक समथिंग इज लाइक दैट, तो धीरे धीरे उससे रिकवरी हो रही है, तो स्वास्थ्य लाभ होना बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर वो चाह रहा है कि जब पूरी दुनिया आज़ाद हो जाए, यू नो जैसे कि एपिडेमिक पूरा चला गया, सब यू नो लसीकरण हो गया, या फिर देर इज़ नो चांसेस ऑफ सच काइंड ऑफ थिंग, तभी वो आपके साथ आगे बढ़ना पसंद कर सकते हैं, यू नो लाइक वाइज, तो ये हो सकता है, या फिर वो आपसे कुछ छुपा रहा है अबाउट हिज मेडिकल हेल्थ, लाइक वाइज हो सकता है, ठीक है। उसके लिए जो प्राधान्य है वो है काम, जॉब उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो वो अपने जॉब की तरफ ध्यान दे रहा है, ये अपनी प्रोफेशन की तरफ ध्यान दे रहा है, हालांकि उसके दिल में योजना है, ठीक है, या तो अपना जो बिज़नेस है वो एक्सपांड करना चाहता है, ठीक है, और उसका पूरा जो मन है वो उसी में है कि कैसे मैं अपना जो बिज़नेस है उसे एक्सपांड करूँ, कैसे ज़्यादा पैसे कमाऊँ, ठीक है, एंड ये एक कुशल व्यक्ति है, एफिशिएंट पर्सन है, ठीक है, बहुत ही कैपेबल है, रेडी निकलती है। तो अगर ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आता है डेफिनेटली आपको कोई तकलीफ तो नहीं होगी, ठीक है, इसके पास हर मर्ज की दवा होगी, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दैट। और देखते हैं थर्ड रीडिंग से हमें क्या पता चलता है, जो थर्ड पाइल है, थर्ड ये टैरो है, देखिए ये जो व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति आई थिंक डेस्टिनी पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता होगा, सेल्फ मेड पर्सन होगा, ठीक है, उस वो डेस्टिनी पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता, लक पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता, ठीक है, भगवान को मानता होगा तो बस दर्शन करता होगा, ये व्यक्ति खुद के ऊपर ज़्यादा बिलीव करता है, यू नो खुद की बनाई हुई लाइफ के ऊपर ज़्यादा बिलीव करता है, ये इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ओके, एंड आई थिंक ये उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये थ्री ऑफ पेंटेकल्स है, तो जहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे दो कपल है, एक कपल है, दो लोग हैं और ये व्यक्ति है, ठीक, तो ये ऐसे देख रहे हैं आपको, ठीक है, आप दोनों साथ में हो लेकिन अभी पूरी तरह से साथ नहीं आए हो, ठीक है, शायद आपकी शादी ही हुई होगी या फिर शादी हुई आप सेपरेट रह रहे हैं, ठीक है, सो अभी रीयूनियन का टाइम उनके हिसाब से नहीं आया है, ठीक है, जल्द ही आ सकता है, जब क्या हो सकता है, तो किंग ऑफ पेंटाकल्स ये भी डिसाइड करेंगे, ठीक है, इनके लिए अभी पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उनके ख्वाब बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अभी तक उनके ख्वाब पूरे नहीं हुए, यू नो शायद उन्होंने आपसे कहा भी होगा कि मेरी पढ़ाई चल रही है या फिर आई वांट टू स्टडी मोर, ठीक है, मुझे अब्रॉड जाना है या फिर मुझे अपनी कंपनी में हाइक चाहिए पैसों में, ठीक है, कुछ होते हैं ना ऐसे कि 10 लाख सैलरी है नहीं अच्छी, 14 लाख तो मिलनी चाहिए, सो ये व्यक्ति अभी पैसों के पीछे है, लेकिन ये आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है, नाइट ऑफ वांड्स है, अभी आगे बढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है, ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड, शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन यू नो गेटिंग फॉरवर्ड,
क्विकली इजली उसे आगे नहीं बढ़ना है। एंड वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, क्वीन ऑफ सोर्स, वो आपको एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप जो हैं वो पेशेंस दिखाओगे, ठीक है, ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप पेशेंस दिखाओगे। उसे क्रॉस एग्जामिन नहीं करोगे कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है, उसके लिए सिर्फ अपनी लाइफ प्रायोरिटी है, ठीक है। वो मानता है कि आप दोनों का कनेक्शन है लेकिन अभी आपके साथ आगे नहीं बढ़ रहा या बढ़ना चाहता। क्वीन ऑफ सोर्स यहाँ पे, ठीक है, दो कार्ड्स और निकाल लेता हूँ, देखते हैं उससे क्या रिंग निकलती है। गैब्रियल, शीशो गैब्रियल, दो कार्ड्स देखिए कि क्या निकलता है। ओके, आगे दो कार्ड्स, ठीक है, क्या है ये, क्या है ये, एक और कार्ड चाहिए मुझे, क्यों नहीं आ रहा। शीशो गैब्रियल, दो कार्ड्स लेता हूँ मैं फिर से, ठीक है, बस हो गया, अभी इतनी मेरी रीडिंग आएगी। ये सब बिहेव क्यों कर रहा है, ठीक है, शायद इसे पैसों के लिए किसने ठुकराया था, ठीक है, इसके लाइफ में, ओके, एंड आई थिंक इसका हार्ट ब्रेक हो चुका है, मे बी दिस पर्सन हैज़ हार्ट ब्रेक। ये कॉलेज में भी हो सकता है, यू नो, उसके पहले भी हो सकता है, या फिर रिसेंटली जब जॉब पे था आपसे मिलने से पहले उसका हार्ट ब्रेक हो चुका है, ठीक है, एंड अभी भी उसकी फीलिंग उस व्यक्ति की तरफ है, कहीं ना कहीं ये व्यक्ति उसके हार्ट में छुपी हुई है, ठीक है। हालांकि शायद ये बात चल रही है, ठीक है, देखिए इसका दिल द्वंद नहीं कर रहा है, वो नहीं चाहता कि वो उस व्यक्ति से मिले, बातें करे, लेकिन जिस व्यक्ति के बारे में वो सोच रहा है ना, वो व्यक्ति अपनी लाइफ में खुश नहीं है, कहीं ना कहीं उसको पता चला है कि वो व्यक्ति अपनी लाइफ में हैप्पी नहीं है, ठीक है, ये पूरे पेंटाकल्स हैं, ठीक है, सो अर्थ साइन है कनेक्टेड टू हार्ट मोर, ठीक है, जिम्मेदारी होती है, तो कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि यू नो लाइक वाइज, तो अगर वो आपके साथ आगे नहीं बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं इसका पास्ट कनेक्शन है, या फिर कहीं ना कहीं इसके सर दिल पे बोझ है, ठीक है, शायद ये उससे कनेक्ट करता तो वो दुखी नहीं होती व्यक्ति अपने लाइफ में, ठीक है, उसको लग रहा है मे बी। एंड फाइनल कार्ड ये आ रहा है टेन ऑफ कप्स, तो एक्चुअली वो अपने लाइफ में खुशियाँ चाहता है और शायद उसे लगता है कि अगर इस व्यक्ति से कनेक्ट करेगा तो खुशियाँ आ सकती है, ठीक है, अगर ऐसी कोई व्यक्ति इसके लाइफ में थी तो ये उससे कनेक्ट कर सकता है, डिपेंडिंग, ठीक है, अगर उसकी फीलिंग बहुत ही पावरफुल उस व्यक्ति के लिए, और अगर व्यक्ति इसके लाइफ में आना चाहती है तो उससे कनेक्ट कर सकता है, ठीक है, वरना वो सिर्फ आपका ही है, बस आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं टेन ऑफ कप्स, जिन्होंने भी कार्ड चुना है, देखते हैं आपके लिए क्या आए हैं कार्ड्स, कौन सा गाना गा। It's my heart that you want, it's my love that you want, it's my heart that you want, it's my love that you want, I feel it in my heart, you want me by your side, oh best, I feel it in my heart, you want my life in your life, I'm yours baby, think about me, I'm yours baby, whoa, I'm yours baby, think about me, I'm yours baby, okay, 5 cards आ गए, ठीक है, तो रखता हूँ 10 of pentacles, ठीक है, 2 of wands reversed, 5 of pentacles straight, the moon reversed, the devil reversed, अनिच्छा, झगड़ा, बेवकूफी, भंग, मध्यांतर, दिसंबर, समर, सेंशल, टकराव, जुलाई, अरे वाह, दो तो महीने आ गए आपके लिए, तो क्या हो सकता है, देखिए पहले ही दो कार्ड आ गए आपके लिए, टकराव से हैं, ठीक है, आप दोनों में काफ़ी ज़्यादा टकराव हो रहा है या हो चुका है, ठीक है, ये संभावना है, और ये भी संभावना है आगे भी टकराव होता रहेगा, ठीक है, तो इसे जान के चलिए, ये व्यक्ति टकराव करने वाला है, एंड जब भी टकराव करता है इसे अच्छा लगता है, या फिर उसका स्वभाव ही होगा कि जिससे भी अपने माँ बाप से भी टकराव करता होगा, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये आपके प्रियजन हैं या फिर आप इनके लवर हैं और आपको इनका स्वभाव अच्छा लगता है या फिर जो भी हो आप उनसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो टकराव तो बनता ही है। व्हाट इज़ द एसेंशियल थिंग फॉर यू, सहनशीलता, देखिए सहनशीलता रखिए, उसके बिना कुछ नहीं होगा, आपको कि एक महीने में इसने हाँ कहना चाहिए ऐसा नहीं होगा, सहनशीलता रखिए, धीरे धीरे व्यक्ति आपकी तरफ खुद आ जाएगा, ठीक है, इसको समझ की ज़रूरत है कि इतना इसका स्वभाव होने के बावजूद भी आप इसे समझते हो, ठीक है, आप उसे अंडरस्टैंड करते हो, या आप पे गुस्सा कर सकता है, ओके, आप दोनों की हाथापाई भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन दैट, ठीक है।
अभी रिसेंटली एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट की थी कि यू नो हर हस्बैंड बीट्स हर, तो आज के ज़माने में भी ऐसी बातें होती हैं, यू नो लाइक माइस उसे समझ चाहिए कि यू नो इवन इफ़ योर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो आप उसे समझ रहे हो, उसकी जो भी ज़रूरत है, उसकी फाइनेंशियल ज़रूरत है, उसकी प्यार की ज़रूरत है, आप उसे समझ रहे हो, तो ये इंपॉर्टेंट है और सहनशीलता आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये याद रखें। लेकिन टकराव तो होने वाला है, ओके, तो आपके लिए 2 महीने आ रहे हैं, 1 जुलाई, ठीक है, और 1 दिसंबर, ठीक है, तो ये 2 महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जुलाई एक इंपॉर्टेंट है, दिसंबर एक इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं भगवान दत्तात्रेय का आपके ऊपर अनुग्रह दिख रहा है, ठीक है, अगर आप भगवान दत्तात्रेय का कुछ कर रहे हो या फिर करोगे तो आपके ज़्यादा आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। यह आ गया कार्ड हिंदी में, अब देखते हैं दूसरा क्या है, ठीक है। देखिए आप दोनों के बीच या तो ब्रेकअप हो चुका है, ठीक है, या तो इस व्यक्ति का ब्रेकअप हो चुका है, या तो आपका ब्रेकअप हो चुका है, यू नो पहले आप किसी और से जुड़ने जा रहे हो, तो इससे बहुत कुछ बातें सीख रही हैं, सीखने को मिल रही हैं। भंग हो चुका है, या तो आपके रिलेशनशिप का जिसमें आप करंटली हो, या तो इस व्यक्ति का हो चुका है आपसे, या किसी और से, या आपका किसी और से हो चुका है, ठीक है, तो ये यहाँ पर दिख रहा है, ओके। ये बहुत ज़रूरी है, मध्यांतर टाइम आउट, मध्यांतर हो चुका है। मध्यांतर में क्या करते हैं, देखो जब फिल्म चलती है ना तो हम जाते हैं फिल्म देखने के लिए, ठीक है, पहले तो एड्स लगती हैं, फिर फिल्म शुरू होती है, फिर मिड यू नो मध्यांतर होता है, और फिर फिल्म की एंडिंग क्लाइमैक्स होती है, और फिर एंड हो जाती है। तो अभी आपने रिलेशनशिप शुरू किया लेकिन अभी मध्यांतर आ गया, इट मीन्स लेट हिम और हर गिव हर हिज अ टाइम, जितना चाहिए उतना समय दो, क्योंकि मध्यांतर है। यू नो कोई जाता है कहता है कि मुझे कोल्ड ड्रिंक चाहिए, कोई कहते हैं मुझे पॉपकॉर्न चाहिए, कोई कहते हैं मुझे भजियाँ दो, यू नो लाइक वाइज, सो ये चलता रहता है। सो क्या करना है वो हर एक की मर्ज़ी होती है। कोई ग्रुप होता है तो वो कहता है कि भाई सबके लिए पॉपकॉर्न लो, कोई कहते हैं नहीं पॉपकॉर्न नहीं, मुझे कोल्ड ड्रिंक चाहिए। तो वैसे ही इस व्यक्ति को चाह, ये व्यक्ति कुछ अलग चाह रहा है, मे बी इसको कुछ एडवेंचर्स करना है लाइफ में, फ्लर्ट करना है, ठीक है, या फिर बस अपने लिए समय निकालना है, डिपेंडिंग ऑन दैट, ठीक है। हालाँकि यहाँ पर 3 बातें आ रही हैं, ठीक है, उनसे क्या मतलब निकलता है, ठीक है। ये व्यक्ति जो है वो बहुत स्टुपिडिटी करता है, बेवकूफ़ी, या आप भी करते होंगे, ठीक है, या तो आपको लग रहा है कि इस व्यक्ति से प्यार करना मतलब स्टुपिडिटी है, डिपेंडिंग ऑन दैट, या फिर ये व्यक्ति हमेशा कुछ ना कुछ बेवकूफ़ी करता ही रहता है लाइफ में, बहुत तरह के, एंड आप उससे बोलते रहते हो कि क्यों तुमने ऐसा किया, कभी चावी घुमा दी, कभी ये किया, कभी गलत दोस्त कर लिया, कभी वो किया, यू नो, सो ये है। आप दोनों का हमेशा झगड़ा होता रहता है, फाइट, हमेशा कहीं भी देखो, खाने पे गए, इवन इफ़ यू आर मैरिड, झगड़ा होता ही रहता है, रिलेटिव्स को पता है, लोगों को पता है, आसपास के लोगों को भी पता होगा कि आप हमेशा झगड़ते हो, लेकिन यहाँ पे ये बात आ रही है रिलैक्टेंस, तो ये क्या कह रही है, ये कुछ अलग ही बात कह रही है, ठीक है। क्या हो सकता है इस कार्ड का मतलब, ब्रेक डाउन है, ठीक है, टाइम आउट है, बेवकूफ़ी है, झगड़ा है, ठीक है, शायद कुछ यादें हैं आपके दिल में जो आपको परेशान कर रहे हैं और आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं, ठीक है, या फिर ऐसी यादें उनकी भी हो सकती हैं, ठीक है, तो उनका मन नहीं कर रहा है, ओके, मतलब वो तैयार नहीं है आपके साथ आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मे बी कुछ यू नो इंटीमेट हुआ होगा उनके लाइफ में, आपके लाइफ में, ठीक है, इन रिलेशनशिप, ठीक है, मे बी यू आर देयर विद समवन पैशनेट, ओके, एंड उस व्यक्ति ने आपका दिल तोड़ दिया, तो मे बी यू आर विद दिस पर्सन, ठीक है, इमोशनली वो आपको समझता है, ठीक है, आप झगड़ते तो भी आपको अच्छा लगता है, लेकिन पैशनेटली आप इस व्यक्ति के साथ अभी तो इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, यो या वो आपके साथ नहीं इन्वॉल्व होना चाहते, ठीक है, इट्स रिलक्सटेंस, अनिच्छा, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि यू आर कनेक्टेड विद दिस पर्सन, लेकिन आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं जो आपके मन के या दिल के खिलाफ, इन पैशन, ठीक है, ये आपके लाइफ में चल रहा है, मे बी डिपेंडिंग ऑन दैट। अब देखते हैं 5 कार्ड्स यहाँ पे आ गए हैं, 10 ऑफ पेंटेकल्स तो स्ट्रेट है, लेकिन 2 ऑफ वांड्स तो रिवर्स है, ठीक है, 5 ऑफ पेंटेकल्स स्ट्रेट है, द मून रिवर्स है, एंड द डेविल है रिवर्स यहाँ पे, ठीक है, तो उससे क्या मतलब है, ओके, ये व्यक्ति शायद किसी और से कनेक्टेड था, ओके, था, या फिर हो सकता है कि होगा आगे जाके, पॉसिबिलिटी तो दिख रही है, लेकिन ये 2 ऑफ वांड्स से फाइनली ये क्या करेगा, यू नो ये पॉसिबिलिटी तो दिख रही है यहाँ पे। 2 ऑफ वांड्स को तो अलग अलग मतलब निकलता है, ठीक है, इस लगता है वेटिंग होता है, यू नो चूजिंग होता है, व्हाटएवर होता है, लेकिन यहाँ पे तो लग रहा है कि देर वॉज समबड़ी और देर विल बी समबड़ी, ओके, होगा या फिर था, डिपेंडिंग ऑन दैट, लेकिन उसके बाद क्या करेगा, ठीक है, देखो उसको अपना साथ निभाने वाले कोई चाहिए, द वन हु कैन बी विद हिम और हर,
ठीक है, एंड स्पेशली उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करने वाली चाहिए उसको व्यक्ति, फाइनेंशियल सपोर्ट उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। ये व्यक्ति अभी अंडरस्टैंड करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आप इमोशनल व्यक्ति को कन्विंस करने जाओगे, ये बिल्कुल भी कन्विंस नहीं होगा, बिल्कुल भी कन्विंस नहीं होगा। इसके हिसाब से ये अंदर से टूट चुका है, इसके लिए वो और टूटना नहीं चाहता, ठीक है। हालांकि यहाँ पे आ गया है टेन ऑफ पेंटाकल्स, तो ये व्यक्ति अपनी लाइफ में प्रायोरिटी चाहता है एंड उसको अपनी लाइफ में सिर्फ खुशियाँ चाहिए, सिर्फ खुशियाँ चाहिए, ठीक है। हालांकि जो डेविल कार्ड आ गया है जो है रिवर्स्ड, डेविल कार्ड है टोटली रिवर्स्ड, इसका क्या मतलब आ रहा है, क्या मतलब आ रहा है, क्या मतलब आ रहा है इसका, ठीक है। टू वॉन्ट्स है, मतलब कोई था या कोई होगा, ठीक है, कोई साथ नहीं वाला, लेकिन फाइनेंशियली वाला चाहिए, ठीक है। द मूड इमोशनली नहीं है, ठीक है। टेन ऑफ पेंटाकल्स हैप्पीनेस चाहिए, द डेविल कार्ड रिवर्स्ड है। शायद किसी ने इस व्यक्ति का इस्तेमाल किया है, ठीक है, अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है, एंड प्रैक्टिकली आ रहा है, तो शायद ये व्यक्ति भी आपका इस्तेमाल कर सकता है अपने फ़ायदे के लिए। सो गेट रेडी फॉर इट, ठीक है। आपको लग नहीं सकता कि ऐसा व्यक्ति कर सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी तो वो दिख रही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपका साथ नहीं देगा, निभाएगा, लेकिन आपसे कुछ काम जरूर करवाएगा। लेकिन कार्ड चुन लेता हूँ, प्लीज गाइड अस फॉर दिस काइंड ऑफ पाइल, टेन ऑफ कप्स जो चुन ली है, ठीक है। 1 2 3 ठीक, और एक कार्ड चुनता हूँ, आगे 4 कार्ड्स देखते हैं क्या रीडिंग निकलती है एक्स्ट्रा अबाउट दिस। ओके, सिक्स ऑफ पेंटाकल्स है, जजमेंट है, द हर्मिट है, ठीक, एंड टेन ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक। एक और कार्ड निकालता है, शीशल गैब्रियल, किंग ऑफ सोर्स। देखो ये व्यक्ति खुद डिसाइड करेगा कि उसे क्या करना है, ठीक है। आप उसे नहीं बता सकते कि क्या करो क्या ना करो, ये आपका बिल्कुल भी नहीं सुनेगा, ठीक है। ये व्यक्ति खुद अपनी मर्जी का मालिक है, और अगर चाहेगा तो आपकी लाइफ भी रूइन कर सकता है। आपको कह सकता है कि आई डोंट वांट टू कम्युनिकेट विद यू, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू रिलेशनशिप विद यू, ठीक है। हालांकि यहाँ पे 4 कार्ड्स आ रहे हैं, जो है ये 10 ऑफ पॉइंट चुकी है रिवर्स, ठीक है। इसका मतलब है कि इसे अपनी लाइफ में, यू नो, ये एक्चुअली कैसा है इंसान कि इसे अपनी लाइफ में बहुत सारे एफर्ट्स करने हैं, लेकिन एफर्ट्स करने के साथ ही वो चाहता है कि मेरे लाइफ में हर एक बार नई शुरुआत हो जाए, यू नो। मतलब वो ज़्यादा पैशन होता है अपने काम के प्रति कि मुझे कुछ ना कुछ तो नया करना है अपनी लाइफ में, दैट्स व्हाई इज पैशनेट। लेकिन द हर्मिट कार्ड रिवर्स्ड है, ठीक है। इसे किसी की गाइडेंस नहीं चाहिए, तो आप चाह रहे हो कि आप उसे एग्जांपल्स दे रहे हो, बता रहे हो, स्टोरीज बता रहे हो, यू नो, चाह रहे हो कि आपके फ्रेंड आपको सपोर्ट करे। कोई इसको कुछ नहीं कर सकता, ये अपनी मर्जी का मालिक है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे 2 कार्ड्स आ रहे हैं, ओके, सिक्स ऑफ पेंटाकल्स से, ये थिंग आई थिंक ये आपके हिसाब से हो सकता है, या फिर ये भी कार्ड आपका हो सकता है, ठीक है। आई थिंक इस व्यक्ति को हमेशा लगता है कि उसे, यू नो, अपनी लाइफ में वो नहीं मिला, ठीक है। अब बुरा ना मानना, लेकिन क्या हो सकता है ना, इसके लाइफ में शायद किसी ने इसका यूज़ किया होगा, ठीक है, एंड वो चाह रहा है कि उसे उसके लाइफ में जजमेंट नहीं मिला, ठीक है। तो ये उसके लाइफ में चल रहा है। फॉर एग्जांपल शायद किसी ने उसको फंसाया होगा, तो उसे लग रहा है मैं, मुझे ही क्यों, ओके। तो आपसे कनेक्ट होने में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू नो, यू आर रेडी टू गेट अलॉन्ग विद दिस पर्सन, यू वॉन्ट मैरिज, दैट्स इट। लेकिन उसके पहले उसे हिसाब क्लियर करना है, एंड आप ऐसे हो रहे हो, सिक्स ऑफ पेंटाकल्स आ रहा है, ठीक है। आप तो एक्चुअली उसके साइड में, यू नो, उसके फेवर में हो, जो भी वो चाहेगा आप उसको देने को तैयार हो, ठीक है। वो आपसे प्यार मांग रहा है, फाइनेंशियल हेल्प मांग रहा है, ठीक है, आपको कह रहा है वेट करो, तो आप वो सब करने को तैयार हो, लेकिन उसके दिल में कुछ चल रहा है, क्या चल रहा है, ठीक है। और दिस पर्सन, 3 कार्ड्स आ गए, ठीक है, रिवर्स ही हैं, ठीक है। ये जानबूझकर ऐसा कर रहा है, अगर को लग रहा है कि ये अपने, यू नो, ये सिचुएशन के हिसाब से बदलता है, तो नहीं, ये जानबूझकर ऐसा कर रहा है, ठीक है। एंड उसको अपनी लाइफ में किसी भी तरह का बदलाव नहीं चाहिए, ये अपना डिस्टेंस खुद लेगा। एंड फाइनली आ रहा है 8 ऑफ वांड्स, ठीक है। ये व्यक्ति काफ़ी लाइफ में हर्ट हो चुका है, जिस दिन उसका हर्ट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, उस वक्त वो आपको प्रपोज करेगा, एंड पर्सनली बैक इन योर लाइफ, इतना रेडी आपके लिए।